मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 10 लोग घायल। दिवाली पर गोरखपुर जा रहे थे यात्री। नवाब मलिक ने की बगावत, कहा जरूर चुनाव लड़ूंगा, बड़ी अजीत पवार की मुश्किलें। मुंबई में कांग्रेस उम्मीदवार ने लौटाया टिकट, हार का डर या फिर पर्दे के पीछे है भाजपा। समीर भुजबल के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर छगन भुजबल का तंज, कहा सभी भतीजों का डीएनए एक जैसा, अजीत पवार का दिया उदाहरण। अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो। अपने घरों में तलवार भाला त्रिशूल रखना शुरू करो, गिरिराज सिंह। सपा ने जो 5 सीटें मांगी है उनमें से 3 पर महाविकास अघाड़ी ने उतारे उम्मीदवार, अब क्या करेंगे अबू आजमी। मुंबई में कर्ज में डूबे शख्स ने अपनी मां का किया मर्डर, फिर काट ली हाथ की नस। नवी मुंबई में मादक पदार्थ चोरी के मोबाइल फोन के साथ 4 लोग गिरफ्तार। मुंबई में 18 महीने की बच्ची का 100 गटर से बरामद, घर के बाहर खेलने के दौरान हुई थी गायब। महाराष्ट्र में बांद्रा पूर्व में काम किया अंधेरी, पश्चिम से दिया टिकट, कांग्रेस नेता सचिन सावंत बोले नहीं लड़ सकता चुनाव। सपा को धोखा, एमआईएम से किनारा, क्या राहुल उद्धव को झटका देंगे मुसलमान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस और शिवसेना यूबीडी, सबको मुस्लिम वोट की दरकार है, लेकिन मुस्लिमों के हित की बात करने वाली एमआईएम को भाजपा की बी टीम बताकर गठबंधन में लिया ही नहीं गया, तो वहीं समाजवादी पार्टी को साथ रखकर धोखा दिया गया। ऐसे में महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं के प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई। अब राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के इस धोखे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव क्या कहते हैं, या सपा की ऐसी हालत पर ओवैसी की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने पहले ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया, उधर सपा को साथ लिया लेकिन आखिर तक उलझाया रखा और उनकी घोषित सीट पर उम्मीदवार उतार दिया। अब ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी एमआईएम और सपा ने अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया तो मुस्लिम वोट जो एक मुस्त कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के कोटे में गया था उसके छिटकने की संभावना बहुत ज्यादा है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर इसमें से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में आमने सामने हो गई है। महाराष्ट्र की भिवंडी वेस्ट सीट से कांग्रेस ने दयानंद मोतीराम मालेगांव और सेंट्रल से एजाज बेग को उतार दिया है। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार करने भी गए थे। अब इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद दोनों पार्टियों के बीच मतभेद गहरा हो गया है। अब ये देखना होगा कि मुसलमान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस ओर जाएंगे।